रांची यूनिवर्सिटी का 37वां दीक्षांत समारोह में इस बार बेटियों ने बाजी मारी है और 71 गोल्ड मेडल में 41 गोल्ड मेडल जो है बेटियों के नाम है। ये आप देखेंगे तस्वीर जो है हाथों में जो गोल्ड मेडल है और किसी के हाथ में एक है, किसी के हाथ में दो है। यही सी बात है, ये मेहनत का परिणाम है और मेहनत तो जब तमाम लोग करते हैं तो इसी तरह के मेडल मिलते हैं। और क्या लक्ष्य है जीवन का? मेरे को प्रोफेसर बनना है और ऐसे ही आके रांची यूनिवर्सिटी में ही आगे मुझे पढ़ाना है। आगे मैं चाहती हूँ कि मैं आके रांची यूनिवर्सिटी में ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ और आगे बढ़ूँ अपने लाइफ। इसके लिए कितनी मेहनत आपने की? मेहनत तो की, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। बस ये है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये नहीं है कि आप 24 आवर्स मेहनत करो, दिन में आप 5 to 6 आवर्स भी अगर आप सही से मेहनत करोगे तो आप जो चाहते हो आपको मिल सकता है, आप अपने सक्सेस को हासिल कर सकते हो। ये आपको किस में मिला है? हमको TRL कुड़ुक भाषा में कुड़ुक टोपर डरांडा कॉलेज से हूँ मैं। मेरा नाम सुमित्रा कुमारी है, मैं रांची से हूँ। आगे क्या करना है? आगे मैं आगे और पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं इसके लिए बहुत मेहनत की और मुझे ये पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी आपका नाम क्या? अदिति सिंह। किस विषय में मिला है? हिस्ट्री में जी। आगे मेरी इच्छा है कि मैं हायर स्टडीज़ में जाऊँ और साथ ही में सिविल सर्विसेज की भी तैयारी मैं कर रही हूँ। कितनी मेहनत होती है? मेहनत तो बहुत है, नो डाउट बहुत मेहनत है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। हर दिन पढ़ना है, किसी एक दिन ज़्यादा पढ़ लो ऐसा नहीं करना, या एग्ज़ाम से पहले पढ़ लो ऐसा नहीं करना चाहिए, हर दिन पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स में मेडल मिलना आसान नहीं है। इकोनॉमिक्स के बारे कहा जाता है कि ये मैथमेटिक्स है। हाँ, मैथमेटिक्स तो है और मेरा सब्जेक्ट भी रहा है मैथमेटिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स लास्ट सेमेस्टर में। तो इसे आप रेगुलरली पढ़ेंगे और क्लास अटेंड करेंगे तो टीचर्स बहुत हेल्पफुल है और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आप आगे बढ़े और रेगुलर रहे बस। अब आगे क्या? आगे मुझे लेक्चररशिप परस्यू करना है और मैं PhD करूँगी आगे। ये किसको धन्यवाद देंगी? जी, इसमें मेरा सबसे बड़ा श्रेय मेरे प्रोफेसर्स का है और मेरे क्लासमेट्स, और मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी फैमिली का है। अब आगे क्या करना है? आगे मुझे साइंटिस्ट बनना है और मैं अभी करेंटली IIT इंदौर में जॉब कर रही हूँ एज रिसर्च एसोसिएट। तो आगे मैं PhD करके अपने फील्ड को कंटिन्यू करना चाहूँगी। आस्था, आपका लक्ष्य क्या है? अब आपने मेडल हासिल की है, अब आगे क्या करना है? आगे मुझे प्रोफेसर बनना है। मेरा नाम प्रभात मुंडा है, मैं एंथ्रोपोलॉजी का टॉपर हूँ, LLB विद्यार्थी, गोल्ड मेडल मुझे मिला है। और मेरा सपना है कि मैं प्रोफेसर बनूं और हो सके तो एक अच्छा सिविल सर्वेंट ही बनूं, जहां मुझे मौका मिले मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। आप? सर नमस्ते, सर मैं अभय कुमार गुप्ता हूं। मैं मुझे ज्योग्राफी में 2 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, एक टॉपर इन ज्योग्राफी मिला हुआ है और एक अयोध्या प्रसाद गोल्ड मेडल मिला हुआ है। मैंने बहुत मेहनत करी इस गोल्ड मेडल के लिए और अब आगे मैं और अच्छा करना चाहता हूँ। थैंक यू। ये ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने अपने पढ़ाई करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है और जाहिर सी बात है ऐसे समय में जब आप राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री के हाथों जब मेडल लेते हैं तो आपके जीवन का लक्ष्य बदल जाता है और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से तमाम लोग लबरेज हैं। अर्जुन मुंडा ने भी कहा कि आज की जो युवा पीढ़ी है जिन्हें डिग्री और गोल्ड मेडल मिल रहा है वो भारत के को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका होगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरिन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।